एक कार चल रही होगी ना तो लगा लो 5-6 रिक्शे उसके संग में चल रहे होंगे, आप लगा लो कि ट्रैफिक किस कदर से होगा। रिक्शों को 40 फुटा रोड पे अलाउड किया गया है, ये 100 फुटा रोड है, ये रिक्शे इस रोड पे बिल्कुल ना चलने की हिदायत दी थी हाई कोर्ट ने, मगर उसकी अवहेलना की जा रही है और इससे पब्लिक बड़ी परेशान है, आने जाने वाले बड़ी परेशानी। आप बीच में वहां हॉस्पिटल पड़ता है उसमें एम्बुलेंस वगैरह आने में दिक्कत होती है। रिक्शा को ऐसा इसलिए पड़ता है, इन पे कोई नंबर प्लेट नहीं होती, कार्रवाई नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इन पे कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई टैक्स होता, इसलिए इनकी ज्यादा बढ़ती जाती है। रोड नंबर 43 3 3 6 6 2 8 बंदे इस रिक्शे में हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग वेस्ट इनक्लेव में। आपको बता दें कि यहाँ पर जो बैटरी रिक्शा होती है उनको लेकर काफी दिक्कतें आ रही हैं लोगों के बीच में, जहाँ पर उनका कहना है कि रोडों पर मना किया गया है, बकायदा बोर्ड भी लगाए गए हैं, कोर्ट के ऑर्डर भी हैं कि ये डेंजर जोन है, यहाँ पर रिक्शा नहीं चलाए जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बैटरी रिक्शा वहाँ पे चलाए जाते हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक लगता है और भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो हमें मिले, इनसे बातचीत के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विवेक कुमार है। विवेक जी, क्या समस्या है? मैडम जी, बस ये समस्या है, इस रोड पे ये लगा लो इतने इस कदर से रिक्शे चल रहे हैं जिसकी आप कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने चल रहे हैं। एक कार चल रही होगी ना तो लगा लो 5-6 रिक्शे उसके संग में चल रहे होंगे, आप लगा लो कि ट्रैफिक किस कदर से होगा। और दूसरी बात ये है, इस रोड पे रिक्शे वालों को चलाने का बिल्कुल भी तरीका सही नहीं लगता मुझे। ये रोड पे इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं रिक्शा अपने, जो है एक तो ड्रिंक वगैरह करके चलाते हैं, नशा करके चलाते हैं, क्यों जान माल की हर चीज की देख के चलना पड़ता है अगले को, भाई किसी की चोट वोट ना लग जाए, कुछ बात हो जाए, इमरजेंसी जामर जी ब्रेक मारने, जामर जी कट मारने। और दूसरी बात ये है मैडम जी, रिक्शों को 40 फुटा रोड पे अलाउड किया गया है, ये 100 फुटा रोड है, 100 फुटे रोड पे ये बहुत ज्यादा की तादाद पे चल रहे हैं, ये रिक्शे इस रोड पे बिल्कुल ना चलने की हिदायत दी थी हाई कोर्ट ने, मगर उसकी अवहेलना की जा रही है। 2014 में कानून पास हुआ था, 2014 से जो 262 रोड बैन किए गए थे उन पे ये रिक्शा फिर भी अलाउड चालू रहे हैं, बोर्ड भी लगा चुके फिर भी वो चलते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कार्रवाई करने पे थोड़े बहुत देर इधर उधर हो जाते हैं, फिर आके चलने लग जाते हैं और इससे पब्लिक बड़ी परेशान है, आने जाने वाले बड़ी परेशानी। आप बीच में वहाँ भी हॉस्पिटल पड़ता है उसमें एम्बुलेंस वगैरह आने में दिक्कत होती है और परेशान होती है पब्लिक। अधिकतर वैसे कितनी होती है लगभग रिक्शा? लगभग इस रोड पे 1000 से 800 के बीच में चलती है। ट्रैफिक जाम लग जाता है, ट्रैफिक रोड पे निकल नहीं पाता है और जो इमरजेंसी केस होते हैं वहाँ भी हॉस्पिटल जाने वाले और एम्बुलेंस वगैरह बीच में फंस जाती है और उनको परेशानी होती है। अच्छा, तो ये बताइए ऐसे में क्योंकि रिक्शा तो निकाले ही गए थे, सवारियां हैं वो आसानी से आ जा सके। रिक्शा 50,000 अलाउड कर गए थे, 50,000 का रजिस्ट्रेशन करे गए थे, लेकिन अब दिल्ली के अंदर 5 से 6 लाख रिक्शा है जिनका रजिस्ट्रेशन ओनली 50,000 का अलाउड किया गया था, शीला दीक्षित के टाइम में किया गया था 2014 के अंदर, फिर भी अब 5 लाख से ऊपर रिक्शा है जो उनके नंबर प्लेट भी नहीं है और बंद भी किए जा चुके हैं, फिर भी वो चल रहे हैं। ना इनमें लाइसेंस होता है, ना बैच होता है, ना कोई परमिट होता है, जिधर मन करा उधर चल देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कई ज्यादा इन्होंने बोला कि कम से कम लाखों से ज्यादा ई रिक्शा हो चुके हैं, तो ये बताइए जैसे कि रोड पर प्रतिबंध है आना, तो क्या आगे चलकर कोई ट्रैफिक पुलिस या कोई रोकता नहीं? नहीं, रोकने को कुछ नहीं है, कंप्लेंट करते हैं हम तो रोकते हैं, वो चलान काट के छोड़ते हैं, ये लोग चलान भरते नहीं है, इनको पास कराना होता नहीं रिक्शा, ये साफ कहते हैं हमें पास कराओ तो कराने चलान भी भरेंगे, भरते नहीं चलान ये लोग, ट्रैफिक वालों को एंट्री देते हैं, पैसे देते हैं, खिलाते हैं उनको। बताइए फिर रिक्शा, मतलब आपका कहना है कि बहुत सारे मतलब रूट्स पे बंद है तो कहाँ पर चलाया जाएगा उन्हें अगर हर जगह बंद ही रहेंगे? इनका तो नहीं है, ये अंदर चलेंगे ना, जैसे गलियों में कहीं ये अंदर ये मेन रोड पे नहीं चल सकती जी। मेरा मैं सुबह ड्यूटी जानता हूँ रानीबाग से, तो यहाँ रक्षे वाले ने बहुत ट्रैफिक जाम लगा देते हैं महावीर पे और यहाँ ब्रिटानिया पे जाता हूँ तो वापसी आता हूँ तो वो सम्राट पे कल जाम लग गया था पूरा, आज भी लग गया, जाता है शाम को ऐसे लेट हो जाता हूँ घर पे, रोड डांटते हैं ये वो दुनिया के गाली सुनाते घर वाले, ना कार वाले को जगह, ना एम्बुलेंस को जगह, किसी को जगह नहीं। अभी एक रक्षा यहाँ पलटा था, अभी यहाँ पे सब्जी वब्जी लोड कर रखा उस पे बैठने वाले को, मगर सब्जी लोड रखा पलट गया था। तो आप देख रहे थे दिल्ली से ये रिपोर्ट, जहाँ पर आपने देखा कि रिक्शे को लेकर थोड़ी बहुत परेशानियां हैं लोगों के बीच में, जहाँ पर भारी मात्रा में ट्रैफिक लग जाता है, हालांकि गाड़ियाँ ठीक से नहीं चलाई जाती हैं, ऐसे कुछ इल्जाम कह सकते हैं आप उन पर लगाए जा रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे साथ आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ झलको दिल्ली।